बिलासपुर सदर थाने में बतौर इंस्पेक्टर कार्यरत प्रियंका नेगी लगातार लोगों को कोरोना को लेकर जागरूक कर रही हैं और लोगों से सामाजिक दूरी बनाए रखने व बिना मास्क के घर से बाहर ना निकलने की अपील कर रही हैं। प्रियंका नेगी कबड्डी की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हैं। इन्होंने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई मेडल हासिल कर प्रदेश का नाम रोशन किया है। कोरोना वायरस की जंग से लड़ने में जहां कोरोना योद्धाओं का अहम रोल है, तो वहीं खेल जगत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमा चुके खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो पुलिस प्रशासन में अपनी ड्यूटी निभाते हुए एक और जहां कोरोना की जंग से लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर प्रैक्टिस करने से भी पीछे नहीं है। ऐसी ही कबड्डी की एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है प्रियंका नेगी, जिन्होंने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई मेडल हासिल किए हैं। साथ ही कोरोना संकट काल में बिलासपुर सदर थाने में बतौर इंस्पेक्टर अपनी जिम्मेदारी को भी बखूबी निभाया है। प्रियंका नेगी का कहना है कि प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करवाते हुए लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क पहनने के प्रति जागरूक करने का काम किया जा रहा है ताकि जनता कोरोना महामारी से बच सके, लेकिन जब कुछ लोग नियमों का पालन नहीं करते तो उनका चालान काटा जाता है। कि हमारे एसपी साहब के सख्त आदेश है कि अभी जो लॉकडाउन खुला है उसमें अगर आपको कोई भी लोग विदाउट मास्क मिल रहे हैं तो उनके जरूर अभी जो चालान काटे जा रहे हैं, हम लोग अभी इस टाइम चालान काट रहे हैं उन लोगों के, और जो भी जितनी भी टाइमिंग उनको स्पेशली जो दुकानदार्स हैं और सब्जी वाले हैं हमारे, उनको जो टाइमिंग्स दी गई उसी टाइमिंग में आप अपनी दुकानें खोलें। और हमने देखा है कि हमारे जो ये पब्लिक प्लेसेस रहते हैं, बस स्टैंड हो गया और सब्जी मार्केट हो गया और मार्केट का पूरा एरिया हो गया, यहाँ पे बहुत सारे लोग विदाउट मास्क घूम रहे हैं, तो हम गाड़ियों में जाके भी उनको अवेयर कर रहे हैं और वहाँ पे उनके अगर कोई लोग बिल्कुल ही नहीं मान रहे तो उनके चालान भी काट रहे हैं। प्रियंका नेगी ने बताया कि कोरोना काल के दौरान लोगों को सजग करने व इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने की उन पर जिम्मेदारी होने के चलते अपने फिटनेस का ध्यान रखना और प्रैक्टिस करना उनके लिए मुश्किल हो गया था, मगर उनकी पूरी कोशिश रहती है कि रोजाना एक सेशन प्रैक्टिस जरूर करें ताकि आने वाले टूर्नामेंट्स में अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सके। खिलाड़ी होने के नाते मेरे लिए इस टाइम प्रैक्टिस के लिए टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल हो गया है क्योंकि वैसे भी कोरोना है और प्रशासन की तरफ से भी बहुत सारी जिम्मेदारियां दी गई है, तो अभी पुलिस का काम और डबल हो गया है क्योंकि जो अदर क्रिमिनल क्राइम जो होता है वो भी थाने में हो रहा है, हमें कोरोना से लेकर जो भी गाइडलाइंस आ रही है उनको भी फॉलो करना पड़ रहा है, और मतलब आप ये बोल सकते हैं कि इस टाइम पुलिस का काम डबल हो गया है, तो उस बीच में प्रैक्टिस के लिए टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं एक सेशन अपना प्रैक्टिस कर ही लेती हूँ। और उस पर ऐसा नहीं है कि अब मेरे सुपीरियर ऑफिसर है, एसपी साहब है, हमारे ऑफिसर्स जो भी है, डीएसपी है, और अभी प्रेजेंटली जो मेरे एसएचओ है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है प्रैक्टिस के लिए, एज ए स्पोर्ट्समैन मुझे प्रैक्टिस के लिए टाइम मिल ही जाता है, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ ड्यूटीज़ करनी है क्योंकि मुझे अपने फिटनेस पे भी ध्यान देना है, अपकमिंग जो भी टूर्नामेंट है उसके लिए भी फोकस करना है, तो ठीक है एक सेशन निकाल रही हूँ बट थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से विजय भारद्वाज की रिपोर्ट।